नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार मोड़ पर गुप्ता मिष्ठान भंडार एवं जलपान गृह का रविवार क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया है। मदियापार मोड़ पर मिष्ठान की अच्छी दुकान नहीं थी, जहां आज इस दुकान के खुल जाने से लोगों में खुशी व्याप्त है। वही दुकान के संचालक अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि यहाँ पर मिष्ठान की अच्छी दुकान न होने के कारण लोगों को इधर उधर जाना पड़ता था। जिसे ध्यान में रखते हुए तथा शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए यह दुकान खोली गई है, जिसमें लोगों की बैठने उठने की व्यवस्था के साथ ही उचित रेट पर मिठाइयां तथा खाने पीने की सामग्री उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ शादी विवाह जैसे अन्य शुभ अवसर पर भी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अन्य लोगों की अपेक्षा मिठाइयों में अच्छी क्वालिटी दी जाएगी, अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ तथा उसी हिसाब से लोगों को पैसा भी देना होगा। ऐसे सुनाते हैं कि स्थानीय दुकानदार अशोक ने क्या कुछ कहा। अशोक कुमार गुप्ता, आप निवासी भराजपुर कला। ये आपकी किस नाम से मिठाई की दुकान है और आप जनता को क्या सुविधा देंगे इस क्षेत्र में पड़ने पर? गुप्ता मिष्ठान भंडार एवं जलपान गृह, यहाँ पे हमारे चौराहे पे अच्छी दुकान ना होने के कारण हमको जो है शुद्धता के साथ साथ अच्छी सुविधा शादी विवाह अन्य अवसर पे हम जो है अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। जलपान में क्या क्या सही अच्छी चीज़ है? आप क्या बैठने की व्यवस्था है, चीज़ के बारे में बताइए। हर चीज़ की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है और जो है मतलब खाने में जो है मतलब रसमलाई, मलाई रोल और जो है मलाई चाप और शादी विवाह के केक वगैरह सब जो है उपलब्ध रहे। क्या स्थानीय और मिठाई की दुकान से आपके रेट में क्या है? रेट हमारा चीप रहेगा, कम से कम रेट रहेगा। हम शुद्धता को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं।